जी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, बैठा जाए, गुड मॉर्निंग। आप लोग को एडजेक्टिव का चैप्टर आगे बढ़ाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में बताया था, अभी आप लोग लिखेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। लिखे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, मात्रावाचक, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसमें पहला नंबर का नाम है डेफिनेट एडजेक्टिव। और बी नंबर का नाम है इनडेफिनिट एडजेक्टिव। डेफिनिट एडजेक्टिव और इनडेफिनिट एडजेक्टिव, डेफिनिट एडजेक्टिव और इनडेफिनिट एडजेक्टिव। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूं यह है एडवांस इंग्लिश। अब देखिए ये पेज नंबर 50 में ऊपर लिखा होगा कॉमन एरर बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रीवियस एग्जाम्स, ठीक है? तो यही ना एडवांस हुआ जी, यही एडवांस हुआ। ये सब क्वेश्चन बनाने से हमारे सब एडवांस आपके सामने आ जाएगा। खूब मजे से पढ़ो, एक अच्छे जगह पर हो। फिर से मैं कहता हूं, कभी आपको किसी चीज का कोई ऐसा नुकसान होने नहीं दूंगा। 100% आप अपने लायक, जो आप जिस चीज के लिए आए हो, और किसी भी चीज को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्वेश्चन बनाने के लिए डिफरेंट आप क्वेश्चंस किसी भी बुक से आपको बनाना पड़ेगा, वो तो आपको करना पड़ेगा। मैं भी आपको बहुत सारा मटेरियल दूंगा, जितना मटेरियल बुक में है आपके अपने बुक में इसके अलावे दूंगा, जहां से कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तब ना। सीखते हो साइकिल तो गली में सीखते हो, एक बैग आ गए पटना के हाईवे पर तो क्या होगा, डरते डरते इससे करके चला गए। एक कोई आदमी आएगा, लड़की लोग पहले सीखती है तो क्या होता है, दो आदमी उधर से रेजर रोक दी वो गुजरा था, फिर हम चले। जनरली तुम लोग चलाती होगी स्कूटी तो आप बुरा नहीं मानिए, ऐसे होता है। यस सर, वो भी जानबूझकर उसके सामने आ जाता है ताकि वो रोक दे, है ना? नहीं होता ऐसा ही, ट्रक आ गया तो 3 घंटा तक रुक ले रहती है, बाप रे बाप, कहीं वापस ना आ जाए। चलिए ठीक है, डेफिनेट एडजेक्टिव इसके भी दो भाग। पहला भाग का नाम है कार्डिनल और दूसरा भाग का नाम है ऑर्डिनल। डेफिनेट एडजेक्टिव के दो भाग, कार्डिनल ऑर्डिनल, CARDINAL, कार्डिनल ORDINAL, ऑर्डिनल। डेफिनेट एडजेक्टिव का दो भाग, कार्डिनल ऑर्डिनल। अगर हम कार्डिनल कहते हैं तो उसके नीचे आप लिखोगे नल ONE TWO THREE ETC। ये एक दो ऐसे जो अंक लिखते हो वो मत लिखना, ONE लिखना, ONE TWO THREE। और यहां लिखिएगा ऑर्डिनल में, ऑर्डिनल में लिखिएगा FIRST फर्स्ट, SECOND सेकेंड, थर्ड ETC। ऑर्डिनल फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट ETC, कार्डिनल 1 2 3 ETC, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकेंड थर्ड ETC। अगर किसी वाक्य में कार्डिनल तथा ऑर्डिनल दोनों का प्रयोग किया गया हो तो सबसे पहले ऑर्डिनल ब्रैकेट में फर्स्ट सेकेंड ETC का प्रयोग होगा और फिर कार्डिनल और फिर कार्डिनल ब्रैकेट में 1 2 ETC का और फिर कार्डिनल 1 2
ईटीसी का, फिर से सुने, डेफिनिट एडजेक्टिव का दो भाग, एक भाग का नाम कार्डिनल 1, 2, 3 ईटीसी, दूसरा का भाग ऑर्डिनल, जहां फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लास्ट ईटीसी का प्रयोग होगा। अगर एक ही वाक्य में कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों आया है तो सबसे पहले ऑर्डिनल फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईटीसी का प्रयोग होगा और तब कार्डिनल 1, 2, 3 ईटीसी का प्रयोग होगा। मतलब मेरा सूत्र हो गया ओ और सी। क्या सूत्र हो गया? ओ और सी। ओ बोले तो ऑक्सीजन, सी बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। पहले उसको जिलाओ और तब उसको मार दो। पहला कौन सा हुआ? मेरा सूत्र हो गया ओ सी, पहले ऑक्सीजन और तब कार्बन डाइऑक्साइड। तो तुम लोग भी सूत्र बना लो। द टू फर्स्ट चैप्टर्स आर इजी, द टू फर्स्ट चैप्टर्स आर इजी। एग्जाम्पल में आपका पहला क्वेश्चन है द टू फर्स्ट चैप्टर्स आर इजी। सबसे पहले मैंने दे दिया कार्डिनल और तब दिया ऑर्डिनल। यह सेंटेंस है गलत। इसे हम लोग जब बनाओगे तो बनाओगे द फर्स्ट टू चैप्टर्स आर इजी, ये हो गया आपका सही। सबसे पहले हो गया आपका ऑक्सीजन और तब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ओ और सी। तो पहला उदाहरण हुआ क्या बना जी? द फर्स्ट टू चैप्टर्स आर इजी। सेकेंड नंबर उदाहरण हुआ द थ्री लास्ट चैप्टर्स आर ऑल्सो इजी। अब आप गौर करो, फिर से यहां क्या हुआ? पहले थ्री आ गया तब लास्ट आया। उत्तर क्या होगा? यहां से ये हटा और इसके जगह पर बना द लास्ट थ्री चैप्टर्स। यह बना थ्री लास्ट के बदले लास्ट थ्री चैप्टर्स बना। चलिए भाई, ये हुआ आपका कि हम लोग क्या करते हैं कार्डिनल ऑर्डिनल। एक छोटा सा बात और देखो, ये हमारा थ्री के पहले क्या लगा? पहले वाले में फर्स्ट आया था, ये फर्स्ट और लास्ट हुआ क्या? ये फर्स्ट और लास्ट हमारा है ऑर्डिनल। और याद रखो अभी से, जितना भी ऑर्डिनल नंबर होगा उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। तो आप लोग एक नोट करके लिख लें, ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, ईटीसी। अब आगे आपके पास है इनडेफिनिट एडजेक्टिव में बहुत सारे इसके डबल डबल या ट्रिपल फोर ऐसे भाग हैं जहां से आपका अंतर खोजना है, इनमें क्या अंतर है। तो यहां पर सब में 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखना। मान लिया जाए पहला नंबर है एक नंबर, एक नंबर है अदर और अनदर में अंतर। आप अदर अनदर जिसका अर्थ है दूसरा, अर्थ है दूसरा, अदर माने भी दूसरा, अनदर माने भी दूसरा। ध्यान से देखिए, बड़े आसानी से इसको सीखोगे। अदर प्लस प्लूरल नाउन, ध्यान से देखेगा, पहले सुन लेगा, अदर प्लस क्या लिखा है? प्लूरल नाउन। अच्छा एक चीज बताओ, मैं अगर ए बॉय कहता हूं तो कितना लड़का, और एन एलिफेंट बोला तो कितना लड़का, कितना लड़का नहीं हाथी, एक। अच्छा तो अगर मैं इस अनदर में एन जोड़ देता हूं, एन प्लस अदर इक्वल टू अनदर, तो ये एन किसका सूचक? एक का सूचक। तो अनदर अनदर आता है तो बुझाता ही नहीं है। अब इस अदर में जोड़ दो कौन सा? एन। तो एन और अदर बराबर क्या हुआ? तो ये सिंगुलर नाउन को लेगा,
अरे एन का मतलब है क्या हुआ? सिंगुलर, यानी एन प्लस अदर इक्वल टू अनदर प्लस सिंगुलर नाउन। तो क्या लिखा? अदर प्लस प्लूरल नाउन और अनदर प्लस, यानी जब दो से अधिक की बात करोगे तबे आपका, मान लिया दो से अधिक है, दो है, दो से अधिक है, तो बोलो अदर प्रयोग करो कि अनदर प्रयोग करोगे। हम कहते हैं छह लड़का में दो लड़का सो रहा है और चार लड़का खेल रहा है, कौन होगा? हाँ, अदर। दो लड़का में से एक लड़का सो रहा है, एक लड़का उसका नाक खींच रहा है, कौन होगा? अनदर। तो जहां एक का सूचना अनदर, जहां एक से अधिक का सूचना अदर। ये छोटा सा बात अदर कह दिया, अनदर कह दिया, अनदर बुझेबे नहीं करता है। अब तो सीधा सीधी बुझा गया, अदर में क्या लगा? एन। तो ये एन किसका सूचक है और एन एक का, इसका मतलब ये कितना का? एक का। जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल है सिक्स बॉयज आर देयर, थ्री बॉयज आर स्लीपिंग बट अनदर बॉय इज प्लेइंग। कितने लड़के हैं? छह। छह में से तीन सो रहा है, तो बचा कितना? एक। तीन बचा, तो तीन के लिए क्या करोगे? अनदर का प्रयोग कभी नहीं करोगे, अदर, और अदर के बाद बॉयज आएगा और इसके बदले आर आएगा। इसका मतलब मेरा उत्तर होगा अनदर बॉय इज के बदले अदर बॉयज आर। अनदर बॉय इज के बदले बनेगा अदर बॉयज आर। अब यहां दो लड़के, दो में से एक सो रहा है, तो बचा कितना? एक। एक के लिए एन प्लस अदर इक्वल टू व्हाट? अनदर। इसका मतलब ये पूरी तरह से सही, ठीक है? यानी बी नंबर, दूसरा नंबर आपका था सर्टेन और ए सर्टेन। फिर से यहां देखो, सर्टेन प्लस प्लूरल नाउन और ए सर्टेन प्लस सिंगुलर नाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन का दूसरा भाग सर्टेन ए सर्टेन, अर्थ है निश्चित। सर्टेन प्लस प्लूरल नाउन, ए सर्टेन प्लस सिंगुलर नाउन। दूसरे वाले में सर्टेन के पहले ए लगा, ए सूचक ही है एक का, एक का मतलब सिंगुलर नाउन, ठीक है ना? लिख लिया सब लोग? आई मेट सर्टेन बॉय इन द पार्टी। तो सर्टेन के बाद कभी भी बॉय ना होकर बॉयज होगा। उदाहरण है आई मेट सर्टेन बॉय इन द पार्टी, सर्टेन प्लस प्लूरल नाउन, तो बॉय के बदले बॉयज होगा। लिखो ही मेट ए सर्टेन गर्ल इन द पार्टी, तो ए सर्टेन प्लस सिंगुलर नाउन, बिल्कुल सही। क्या होगा?